आरोपी पुत्र मुलायम सिंह यादव के चले जाने के बाद अब जंग उनकी विरासत के लिए होगी। एक तरफ जहां बड़े बेटे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम यादव के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा भी पूरी तरीके से मुलायम के नाम को भुनाने का अधिकार रखती हैं। हालांकि वो मौजूदा वक्त में बीजेपी के खेमे में शामिल हैं, इसीलिए अब बात मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट अब खाली हो चुकी है और इस पर बहुत जल्द उपचुनाव कराए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही इस खाली सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर देगा। ऐसे में एक बार यहां फिर से सपा बनाम बीजेपी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए सीट पर बीजेपी तगड़ा दांव चलकर सपा को परास्त करने की योजना तैयार कर रही होगी। ऐसे में बहुत लाजमी है कि अपर्णा यादव को यहां से बीजेपी मैदान में उतार दे, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी सीट पर बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए प्लानिंग करेगी। बीजेपी आलाकमान को पता है कि अगर मैनपुरी जैसी जगह पर उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली जाए तो 2024 के आम चुनाव में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। साथ ही यादव वोट बैंक में सेंधमारी भी हो जाएगी, जैसा आजमगढ़ उपचुनाव के वक्त हुआ। इसीलिए अपर्णा यादव को यहां से टिकट देकर बीजेपी इमोशनल कार्ड भी खेल सकती है, क्योंकि मुलायम सिंह की छोटी बहू होने का फायदा मैनपुरी में अपर्णा को जरूर मिल सकता है। फिलहाल वक्त आने पर देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन 2019 में बीजेपी को यहां जिस तरीके से हार मिली थी, अब उसी गलती को बीजेपी नहीं दोहराना चाहेगी। बता दें कि 2019 के मैनपुरी चुनाव में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य थे, जिन्हें 4,30,537 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव ने यहाँ 94,389 वोट के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उपचुनाव में बीजेपी जीतने की स्ट्रेटजी से उतरेगी। फिलहाल अब देखना होगा कि उपचुनाव में भाजपा किस पर दांव खेलती है। वहीं अगर अपर्णा को जिम्मेदारी मिलती है तो वो एक बेहतर विकल्प होंगी, क्योंकि मैनपुरी में यादव वोट बैंक है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव कमाल दिखा सकती हैं और बीजेपी के सपनों को यहां पर साकार भी कर सकती हैं। बहरहाल अब ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि अपर्णा ने कितना भरोसा बीजेपी आलाकमान का अभी तक जीता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 2022 विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से अपर्णा का हाथ खाली हो जाए और बाजी कोई और मार ले।